हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक स्टूडियो। में बात करेंगे HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। इससे पहले मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जैसे कि चार कार्ड लॉन्च हुए थे, EMI कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। तो मैंने EMI कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बना के रखा, तो स्टूडियो में बात कर रहे हैं प्रीपेड कार्ड के बारे में। तो बेसिकली जान लेते हैं प्रीपेड कार्ड होता क्या है। तो प्रीपेड कार्ड रिचार्जेबल कार्ड होता है कि आप उसे लोड करेंगे मनी तब वो वर्क करता है, जितना लोड करेंगे उतना ही काम करेगा। बाकी फीचर्स सेम होते हैं जैसे कि आपका डेबिट कार्ड मिलते हैं, तो कुछ कैशबैक वगैरह होते हैं, रिवार्ड्स पॉइंट्स वगैरह होते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे प्रीपेड कार्ड के बारे में, तो चलते हैं इसके बेनिफिट्स और फीचर्स देखते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरियाज हैं और क्या चार्जेस इसके लगते हैं प्रीपेड कार्ड के और कैसे इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस मिलेनिया प्रीपेड कार्ड में आपको जो है मैक्सिमम 5,000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा एक साल के अंदर। आप कंप्लीट इसका यूज करते हैं तो 5,000 तक का मैक्सिमम कैशबैक इस कार्ड से आप कमा सकते हैं। तो डिटेल में जानते हैं पहले कि आप किस तरह से आप यूज करेंगे तो इसको 5,000 का कैशबैक आपको मिलेगा। तो पहला है शॉपिंग पे यूज करने का, अगर पेजैप या फिर स्मार्ट बाइक एप्लीकेशन का यूज करके इस प्रीपेड कार्ड का यूज करेंगे आप, तो वहां से आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, जो कि स्मार्ट बाय एप्लीकेशन है। पेजैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया है पेजैप को कैसे यूज़ करना है, तो ये वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो पेजैप एप्लीकेशन और स्मार्ट बाय पर यूज़ करेंगे तो 5% का कैशबैक है। उसके बाद 2.5% का कैशबैक जो ऑनलाइन शॉपिंग अदर करेंगे अलर्ट प्लेटफॉर्म पर, नहीं कि आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा या जोबोंग पर यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा इस प्रीपेड कार्ड का यूज़ कर। और 1% कैशबैक जो है और अदर यूज़ करते हैं, जैसे कि आप POS मशीन पे यूज़ करते हैं, मर्चेंट आउटलेट पे यूज़ करते हैं, आप मनी रिलोड करते हैं किसी वॉलेट में, तो वहाँ पर 1% का कैशबैक इस प्रीपेड कार्ड के थ्रू आपको मिलेगा। दोस्तों, यहाँ कैशबैक के कुछ टर्म एंड कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया 2.5% और 5% और 1% का जो कैशबैक आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे मिलेगा, POS मशीन पे मिलेगा, वॉलेट रिलोड करने मिलेगा, इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। मिनिमम ट्रांजेक्शन 200 का होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन 200 का होता है तभी आप कैशबैक के लिए एप्लीकेबल है, और मंथ में मैक्सिमम आपको 400 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये नहीं कि आपने 20,000-50,000 आपने लोड किया शॉपिंग किया तो आपको उतना कैशबैक मिलने वाला, मैक्सिमम यहाँ पर सेट है कि एक मंथ के अंदर इस कार्ड में आपको 400 कैशबैक ही मिलेगा। इस कार्ड में एक वेलकम बेनिफिट्स आपको दिया गया, अगर कार्ड को फर्स्ट टाइम 30 डेज के अंदर आपका जब कार्ड आपको मिल जाता है उसके बाद 30 डेज के अंदर आप इसे रिलोड करेंगे 5,000 रुपीज़, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। वेलकम बेनिफिट्स के तौर पर आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा कैशबैक अलग से दिया जाएगा। इस कार्ड में आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है 1,00,000 रुपीज़ तक का इस प्रीपेड कार्ड में, लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि कार्ड हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हर मंथ आप कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये इंश्योरेंस एक्टिव रहेगा। 30 डेज के अंदर कहीं भी आपको ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं कोई भी इस कार्ड से तो आपका कार्ड ये एक्टिवेट रहेगा। तो ये 1,00,000 रुपये तक का इंश्योरेंस कवरेज है कि कोई फ्रॉड वगैरह होती है ऑनलाइन तो आप रिपोर्ट करते हैं 1 हफ्ते के अंदर तो आपको उसका बेनिफिट्स का फायदा मिल सकता है। मैक्सिमम लोड जो है इस कार्ड में 1 टाइम में आप 1,00,000 रुपीज़ ही कर सकते हैं, 1,00,000 रुपये आप इसमें रिचार्ज कर सकते हैं 1 टाइम में 1,00,000 रुपीज़, और उसे फिर इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग वगैरह जहाँ भी इस्तेमाल करना है, सारे जगह यूज़ होता है, आप जहाँ भी ऑनलाइन परचेस भी कर रहे हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और ATM से कैश विड्रॉवल के रूप में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश विड्रॉवल के कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो आपको 20,000 वन डे में ही कैश विड्रॉ इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे अगर आप HDFC ATM से ही निकालते हैं। तो अदर ATM से अगर आप निकालते हैं तो 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे और GST के साथ में 18% सर्विस चार्जेस जो होते हैं तो आपको 23 रुपये के आसपास पड़ जाएंगे। तो आप अगर अदर ATM से इस कार्ड का यूज़ कर कैश निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 20 रुपीज़ प्लस GST देना पड़ेगा। सेम ATM में यूज़ करेंगे HDFC में तो कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, 20,000 पर डे आप कैश विड्रॉ इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। साथ साथ अगर अदर ATM में जाकर इसे आप ट्रांजेक्शन चार्जेस भी अलग से लगते हैं, अगर बैलेंस चेक वगैरह करते हैं उसमें भी अदर ATM में जहाँ इस्तेमाल करेंगे वहाँ बैलेंस चेक के लिए या फिर कोई स्टेटमेंट वगैरह देखने के लिए, बैलेंस देखने के लिए तो 8% GST देना पड़ेगा वहाँ पे आपको, 9 रुपये यहाँ पर आपको पेड करने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन के रूप में, सर्विस चार्जेस के रूप में, अगर बैलेंस वगैरह अदर ATM में जाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों, यही थी इस कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स, और उसके चार्जेस की बात कर ले तो 499 रुपीज़ यहाँ पर ज्वाइनिंग फी है, 499 रुपीज़ एनुअल फी भी है इस कार्ड की है, प्रीपेड कार्ड है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप, कोई भी इसके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरियाज कुछ नहीं है, आपका 18+ है तो इस कार्ड को ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं तो इजिली आपको एक प्रीपेड कार्ड मिल जाता है, और इस सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पैसा लगता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आप प्रीपेड कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना आप मनी लोड करेंगे उसी हिसाब से इसमें यूज़ होगा। तो वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी, मेरे चैनल पर ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर कोई क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।